यहाँ मैंने मैंगो कैरी इकट्ठी कर ली है, इसे धो लिया है पानी से और काट लिया है। छिलकों के समेत ही इसे मैंने काट लिया है। और इसको अभी मैंने मोटे इसके जो छिलके थे ऊपर से खराब वाले यहाँ ले लिया है मैंने एक मोटे तले का पतीला। इसमें डाल दिया कटे हुए मैंगो को और यहाँ डाल लूँगी मैं 3 गिलास पानी के और इसे कर लेते हैं बॉयल। आधा घंटा बॉयल करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, आम पक चुके हैं और मैंने गैस कर ली है अब बंद। 15 मिनट के बाद अब जब ये हो जाए ठंडे तो फिर करते हैं आगे का प्रोसेस। आम पक चुके हैं, इसे थोड़ी देर ढक के रख दिया। गैस बंद और थोड़ी देर ढक के रख लेते हैं। इसमें डाल देंगे सरसों का तेल 3 चम्मच के करीब। इसे गर्म होने देते हैं। यहाँ मैंने ले लिया है जीरा, काला नमक, थोड़ी सी मीठी सौंफ, अजवाइन और 250 ग्राम के करीब मेरे पास है गुड़। यहाँ कढ़ाई में मैंने तेल डालकर पहले जीरा डाला, फिर डाली थोड़ी सी मेथी, सौंफ और अभी डाल लेंगे गुड़ और काला नमक इकट्ठा ही डाल लेंगे। इसे थोड़ी देर चलाते हुए अभी इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी और 1 चम्मच डाल लिया मैंने कूटी हुई लाल मिर्च का। अभी इसे थोड़ी देर हिलाते रहेंगे। अभी ये जो गुड़ बचा है इसको भी इसी में ही कर देंगे ऐड। थोड़ी देर उबालने के बाद इसमें हम बॉयल आम है ये डालेंगे। ये लीजिए आम की लौंजी तैयार आधा है। घंटा पकाने के आप बाद इसे आम चावल, की लौंजी चपाती, तैयार हो गई है। परौंठी के साथ खाइए और एंजॉय कीजिए। अभी चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के लिए। आइए करते हैं इसको सर्व। चलिए अब बनाते हैं आम का पन्ना। यहाँ मैंने मोटे तले का कुकर चढ़ा लिया है। इसमें डाल दूंगी मैं पानी के 3 गिलास, 1, 2 और इसके बाद 1 गिलास में और डाल देती हूँ। अभी इसमें आम के जो लंबे लंबे टुकड़े मैंने काटे हैं उनको डाल दिया।
गर्मियों के लिए आम पन्ना एक रामबाण औषधि है। गर्मी में जो हमें लू लगती है ना, उसके लिए आम पन्ना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो मैंने सौंफ डाली है वो भी दिमाग के लिए काफ़ी ठंडी तासीर होती है, जैसा कि आप सभी को मालूम ही है। 3 गिलास मैंने पानी के डाल लिए। ये देखिए, मैंने सौंफ भिगो कर रखी है 2 घंटे पहले। ये है अजवाइन पत्ता, और यहाँ पर है थोड़ा सा पुदीना और लेमन ग्रास, और यहाँ है मेरे पास ब्रह्मी, जो दिमाग के लिए एक रामबाण औषधि है, और यहाँ काला नमक, अजवाइन और थोड़ी सी सौंफ है। इन सबको डाल देंगे हम जार में और इन सबको पीस लेते हैं। यहाँ पतीला मैंने चढ़ा लिया, ग्राइंड कर लिया पीस के। अब ये एक सीटी जब इसमें लग गई तो इस पन्ने को कर लिया मैंने ग्राइंड, सौंफ के साथ ही पन्ने को भी ग्राइंड कर लिया। चाशनी बनाई थी इसमें, और अभी इसको छान लेते हैं ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा ये सौंफ का मोटा मोटा मोटी सौंफ पीसी हुई ना जाए, तो इसको हम छान लेते हैं। और इसका जो ये मोटा वाला पोर्शन है इसको कर देंगे अलग। गर्मियों में आम पन्ना खाइए और लू लगने से बचिए। गर्मी में एक बार लू लग जाए तो मुश्किल हो जाता है। ये मैंने निकाल लिया इसका, अभी डाल लिया सारा पतीले में। अभी इसको करते हैं बॉयल, अभी करते हैं इसको, और इसमें फिर मिलते हैं। इस पतीले में मैंने शुगर पहले से ही बॉयल कर रखी है, जिसमें मैंने आधा किलो मैंगो में 1 किलो मैंने शक्कर डाली है, जिसे मैंने कर लिया था बॉयल करते हुए। हो गया है, अभी आधा घंटा और लगेगा। लीजिए, आधा घंटा और पकाने के बाद आम पन्ना रेडी हो गया। ये रही इसकी कंसिस्टेंसी, ये देखिए जितनी एक तार चाशनी बनती है उतनी ये, तो समझो कि आम पन्ना रेडी हो गया। इसकी ये पहचान है, ये देखिए इतना गाढ़ा रखेंगे। और गैस को कर देते हैं बंद, ठंडा होने के बाद करते हैं इसे। ठंडा होने दीजिए और फिर डाल देंगे इसको बोतल में। ये लीजिए, यहाँ कर लिया मैंने सर्व कुछ आइस क्यूब्स लेकर, और धनिया पत्ता के साथ कर लिया सर्व। एक साइड में डाल दिया लेमन ग्रास, और पीजिए और एंजॉय कीजिए। और मुझे बताइए आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। पसंद आई है तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।